राजा तेरी सबते वड्डा सतगुरु नानक सबते वड्डा जिन कल राखी जिन कल राखी मेरे राम राय तू संता का संत तेरे जपो मेरे राम राय तू संता का संत तेरे तू संता का संत कौन है जेड़े चलदे फिरदे भी नाम जपदे एक हुंदे नाम जपना थोड़ी देर सवेरे बैठ के पाठ कर ले एक ए आम इंसान दा काम है जड़ा सत्संगी बंदा सवेरे उठे वाहेगुरु तेरा शुक्र परमात्मा तेरा शुक्र रात तेरी कृपा नाल सही बिताई महाराज रात में कोई ऐसी न्यूज कोई ऐसा औखा समा नहीं है कोरोना निकले आखो वाहेगुरु उसने कितना औखा समा करता सी साडा शायद कई कई दिन हो गया सी एक दूजे नाल नूं देखे हुए पर गुरु ने फिर वापस एक ऐसा समा दे दिता नाल समझ दे दी भी किवें रहना है आखो वाहेगुरु कोरोना दे आन तो पहला भी ये गल हुंदी सी वायरल फैल गया आखो वाहेगुरु फिर भी कहा जाता सी थोड़ा अपना बचाव रखो डिस्टेंस रखो असीं उदों इन्नी केयर नहीं करते क्योंकि उहदे इलाज शायद ईजीली मिल जाते सन तां पर इस भयानक बीमारी विच भी मैं कहां देखो किन्ने परसेंट लोग गए ने आखो वाहेगुरु पर जे परसेंटेज देखिए तो बहुत सारे बचे हुए आखो वाहेगुरु उन्होंने असीं सारे भी परमात्मा की कृपा नाल बचे फिर भी ना कहिए वाहेगुरु तेरा शुक्र है कदों का जब ओदे दरबार च पहुंचे होंगे उत्थे तां पछताना पएगा कि नाम नहीं जपिया शुक्र नहीं कीता आखो वाहेगुरु शुक्र करता अमृत वेले उठदे कहता वाहेगुरु तेरा शुक्र प्रशादा सामने आया कहता वाहेगुरु तेरा शुक्र कपड़ा आया नवा घर च कहता वाहेगुरु तेरा शुक्र कोई सोहनी दात तेरे घर आई कोई बच्चे क्रेडिट लेके आए कोई स्कूलों च कोई जित के आए तो कहना वाहेगुरु तेरा शुक्र यह संतां दा काम है संत की करदा पता है संत हर हाल में शुक्र करदा कुछ नहीं मिलिया तां भी कह दिंदा वाहेगुरु तेरा शुक्र कदे यह नहीं कहना परमात्मा यह नहीं दिता वह नहीं दिता परमात्मा कहने एक पलड़े विच ओ रख ले जो मैं दिता है पर एक पलड़े विच ओ रख ले जो मैं नहीं दिता देख दिया वध की है आखो वाहेगुरु जन्म मिलिया ना जी दो अखा एक ना दवे किड़ा औखा काम शरीर दी पूरी बनावट उस परमात्मा ने सानू बना के दिती है ये थोड़ी है एक अंग लेना होवे अज किन्ना औखा किन्ने लखा रुपए लेके भी वापस ओ नहीं मिलता जो नॉर्मल इंसान दा मिल जाता है आखो वाहेगुरु शुक्र करन लई तो मैं कहना साडी आ समा घट जाएगा साडे को असी शुक्र करदे नहीं थक सकते जे असी रीजन लभीए रीजन आखो वाहेगुरु बहुत वड्डे वड्डे रीजन तुसीं देख चुके हो इसलिए समा भी मैं सोचदा घड़ियां निकल जांदियां ने फिर बार बार ध्यान उधर जाता है कि गुरु साहब इन्नी गल च असीं सारे समझ जाइए कि बस कही जाइए शुक्र परमात्मा ने और संत ओ हुंदे ने जिहड़े तुरदियां फिरदियां भी वाहेगुरु 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 सा आ रहा है वाहेगुरु सा रुक रहा है वाहेगुरु रोटी खान लगे हैं वाहेगुरु हर वेले वाहेगुरु कही जाना आ गुरबाणी च लिखे जिना सास गिरास न विसरे हर नामा मन मंत्र सास गिरास न विसरे हर नामा मन मंत्र
तन से सेई नानका पूरन सोई संत पूरन सोई संत। फिर उन्हां दे नाल कहिंदा सतगुर कहिंदे मैं उहदे नाल रहना। राम राय मेरे राम राय तू संता का संत तेरे तू संता का संत तेरे सेवक को बहु किछ नाही तेरे सेवक को बहु किछ नाही। जिहड़े सेवक बन जांदे ना जी ओह डरदे नहीं ने। कोरोना काल दे विच मैं देखिया इन्ने लोग सेवा लई भजे अपने घरों ऑक्सीजन का लंगर ला रहे। मैं कहा सतगुरु इन्हां दे अंदर डर नहीं है कोरोना दा। फिर मैनूं पंक्ति याद आई तेरे सेवक का पौ किछ नाही तेरे सेवक का पौ किछ नाही। पौ मतलब डर। तेरे सेवक किछ नाही तेरे सेवक को किछ जम नहीं आवे मेरे जम दो तेरे लेड़े लिया जम नहीं आवे मेरे जम नहीं आवे मेरे जम नहीं आवे सबते वड्डा सतगुर नानक सबते वड्डा सारे सबते वड्डा सतगुर नानक सबते वड्डा जिन कल राखी मेरी जिन कल राखी जिन कल राखी मेरी जिन कल राखी जबो जो तेरे रंग राते स्वामी जो तेरे रंग राते स्वामी इनका जन्म मरण दुख ना साथ इनका जन्म मरण दुख एक दुख तो साढ़े जन्म नाल है शरीर नाल जुड़े ने एक होर दुख भी है पता केड़ा बार बार जन्म लेना ये भी दुख है। गुरु नानक साहब कहते हैं तो की बार बार जन्म क्यों मंगते हैं रब को क्यों नहीं इसे जन्म में ऐसी यात्रा कर ले कि दोबारा जन्म ही ना लेना पड़े। आखो वाहिगुरु इस संगत ने पूछा महाराज ये किवें हो सकता है। कहते नाम विच इन्नी ताकत है कि पुत्रा तेरा दोबारा जन्म नहीं होगा। अजिन्ने कीड़े मकौड़े अगबैल गौवां पंछी जिन्हिया जूना ने यह सब अपना कर्म भोग रही है। आखो वाहिगुरु सिर्फ मनुख जात है जिहड़ी इन्हां कर्मां नूं तो बच सकती है कि वह पंछी ना बने वह पशु ना बने। एक दिन बाणी विच लिखिया पढ़िया कि सप नू बार बार स्किन आ जाती है। तुम देखे सप दी स्किन यूट्यूब ते देखो स्नेक ना 6 महीने के अंतराल तो बाद उसकी स्किन नवी आ जाती है। सप खुश होंदा होगा कि मेरी बहुत सोहने कलर्स नवे आए हैं। आखो वाहिगुरु मैं महापुरखा नाल गल की मैं भी यह की खेड है भी ये रब ने की इनू सिस्टम दिता भी हर 6 महीने बाद नवी स्किन आएगी नवे कलर्स डिफरेंट कलर बड़ा खुश होंगा। कहते ये जून है जिड़ी अपने मनुखा जन्म सिर्फ अपनी स्किन नाल बड़ा प्यार करती सी। आखो वाहेगुरु बार बार अपने शरीर अपनी सेहत देखो शरीर का ख्याल रखना कोई माड़ी गल नहीं है पर केवल शरीर के पिछे लग के रब नू भुल जाना यह भी गलत है ना। आखो वाहिगुरु गुरु जी लिखे है जह सिर रच रच बांधत पाग एक बारी पग बनी नहीं चंगी दोबारा बनो फिर चंगी फिर नहीं चंगी फिर बनो 4 बारी 5 बारी
इन्ना तेरे को टाइम है कि बार बार पागी सजाई जाने कहते सौ सिर चुंच सवार काग एक दिन समा आएगा तेरी खोपड़ी ते कां जेड़ा है ना आखो वाहिगुरु अपनी चुंज सही करे। गुरबाणी दसदी है कि जेडे लोग बार बार अपने शरीर दे नाल अपने कपड़िया नाल अपने घर नाल इन्हां नूं सवारन विच ही लगे रह जांदे ने अपना नहीं सवारदे। फरीदा आप सवार है मैं मिले मैं मिलिया सुख होए फरीदा जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा। बोलो वाहिगुरु। परमात्मा की कहंदे ने सिर्फ अपने नाल जुड़ना है कि मेरे नाल जुड़ना है। मैं तेनों बनाया कि तू आप अपने आप नूं बनाया तू अपने लिए मेहनत कर मैं तेरे नाल खड़ा पर हंकार ना कर। आखो वाहिगुरु। तू अपना मुंह धोना है अपना इशनान करना है ये चंगी गल है कर इशनान सिमर प्रभ अपना मन तन भय अरोगा पर ये ना कर कि सारा दिन तू अपने शरीर नूं सवारदा ही रह जावे जिन्हें शक्ल दित्ती उन्हें याद ही नहीं कर कि ये बनावट तेरे हाथ से कि ये रंग रूप साढ़े हाथ ने। आखो वाहिगुरु। सत्संग जी गौर करना पेगा केवल लोग असी की कर रहे हैं जो समाज में चल रहे असी भी उन्होंने मगर मगर चल रहे हैं। गुरु साहब कहते नहीं देख सही की और गलत की चेक कर कि तेरा टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा। इन्ना इंपॉर्टेंट टाइम है कि देखो असा निकल गए जड़े दोबारा नहीं आने गए। आखो वाहिगुरु। लखा रुपये बाहर चले जाओ देन कहो जी अज का दिन दोबारा स्टार्ट हो जाए मेरा नहीं पॉसीबल कट गया। असी आम तो कह दें कि असी वड्डे हो गए साडा जन्मदिन मनाओ है ना जी। गुरबाणी में पुछते हैं सतगुरु तुसी की कहें हो कहते जननी जानत सुत बड़ा होत है मां सोचती पुत्र वड्डा हो गया इतना कु न जाने कि दिन दिन अवध घटत है जे बच्चा नब्बे लिखा के आया तो बच्चा जिस दस साल का हो गया हम अस्सी रह गए। आखो वाहिगुरु। दस घटे ने इस खुशियां मनाते हो जन्मदिन तो मनाओ इस गल की कि मनुखा जन्म मिलिया सी इस दिन पर नाल नाल पिछे देखो कि इस मनुखा जन्म के जिन्ने साल बीते ने उहदे विच मैं ठीक काम कर रहा कि नहीं कर रहा उहदे तक मैं हुण तक जिहड़े मैं जबिता आया इहदे विच मैं सिमरन पाठ की सेवा मेरे को रब लै रहा कि नहीं लै रहा कि मेरा भी जन्म उन्हां वांग है। आ देखो साढ़े बाग विच भी कई बार असी शायद कई ने पैट्स रखे हो पालतू भी। आखो वाहिगुरु। सुता होवे ना जी बहुता चिर सौ जाए असं उन्होंने उठा देंगे पर गली वाले नहीं उठाते जिन्हों का मालक नहीं है ना उन्होंने नहीं उठाते वह पे रेंगे। सतगुर कहते चेक कर कि तेरा और उन्होंने सेम तरी खराब होया पाया जिमें तेनों कोई परवाह नहीं उन्होंने भी कोई परवाह नहीं तो जे तेनों परवाह है। आखो वाहिगुरु। फिर तू बंदा भी है और बंदे तो देवता बनाएगा तेनों गुरु। आखो वाहिगुरु। बलिहारी गुर अपने द्योहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते की करत न लागी वार। मनुखी सोच जे गुरु नानक दी गल मन लवे सतगुर कहंदे देख फिर मैं तेनों बंदे तो देवता बना दा। एक भूमिया सी भूमिया ना दा चोर सी बड़िया चोरियां करता सी पर लोगों नूं पता नहीं सी वी चोर है लोगों विच बड़े सोहने कपड़े पा के सेठ वांग घूमदा सी। उन्हें अपने घर के उपर हर लख जो एक लख ऐड हो जाता सी ना पताका फैला दिंदा सी मैं एक झंडा भी मैं इन्ने लखपति हो गया। आखो वाहिगुरु। और राजे की नज़र च सी कि लंगर लगाउंदा साल बाद अपने पूर्वजों की याद लंगर लग ये करदा सी पर यह किसी नूं नहीं पता सी वी कमांदा कित्थों। आखो वाहिगुरु। वाहिगुरु। हुण इस प्यारे ने गुरु नानक साहब का सुनिया भी मेरे पिंड विच आए ने गया दर्शन कर लोकां वांग भी चंगे लोग सारे जाते ने संतां दे दर्शन करन मैं भी कर पर अज कमाल सी कि अज जिस संत नू अज जिस गुरु नू देख रहा देखते और उहदे वचन सुन के ना मन च आ गया कि मना तू भी कोई चंगे काम तो नहीं करदा तेनू तो पता ही है और ये कह रहे हैं कि जिस दिन तेरी रूह रब दे घर जाएगी उस दिन बड़ा दुखी होएगा। आखो वाहिगुरु। क्योंकि लोगों नाल चोरी बड़ी की है लोगों के घर बड़े लुटे ने और तेरे नाल माड़ा होएगा डर गया सारे चले गए ना जो सारे कहता गुरु नानक साहब जे मैं तुहानू कोई गल दसा किसी नूं दसोगे तो नहीं कहते नहीं मैं किसी नूं नहीं दसांगा बोल
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਭੂਮੀਆ ਪਰ ਕਰਦਾ ਚੋਰੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਚੋਰੀ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਵਚਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬਣ ਜਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਵੀ ਬਣ ਜਾ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹੋ ਵੀ ਚੋਰੀ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲੈ। ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ? ਸਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੱਚ ਬੋਲ। ਦੂਜਾ, ਜਿਹਦਾ ਲੂਣ ਖਾ ਲਿਆ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲਣਾ। ਨਮਕ ਜਿਹਦਾ ਲੂਣ ਖਾ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਘਰ ਫਿਰ ਕਦੇ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੀਜਾ, ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਣਾ। ਮੰਨੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੱਚ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਲੂਣ ਖਾ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੀਜਾ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਤਿੰਨੋਂ, ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਦੂਜਾ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਨਾ ਲੂਣ ਖਾਇਆ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੀਜਾ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੋਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਭੂਮੀਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਬੜਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ ਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਨਾ ਰਾਜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਮਾਰਨਾ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਪਏ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ, ਰਾਜਸੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ। ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਬਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਦਰਬਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਿਲ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੋਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ, ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਰੂਪ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਤੂੰ? ਰਾਜੇ ਜਾਣ ਮਹਿਲ ਜਾਣਾ? ਹਾਂਜੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਚੱਲ ਜਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਨੇਰਾ ਪਿਆ, ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਬਣ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਬਣ ਲੈਂਦਾ। ਸਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਗੜਾ ਤਗੜਾ ਹੱਥ ਮਾਰਨਾ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ, ਇਹ ਜਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ, ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਖਾਣ ਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਚਾਨਕ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਲੂਣ ਖਾ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਉਹ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਜੀਭ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੀ ਲੂਣ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ, ਔਰ ਖਾ ਕੇ ਲੂਣ ਆ ਗਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂਗਾ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਮਾਵਾਂਗਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਸਭ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋਚੋ ਗੁਰੂ ਹੱਕ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰੱਬ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਸੋਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀਰੇ ਮਿਲਣਗੇ,
अज लोकी पजदे ने मैं सोना हीरा देके आवां सतगुरु की कमाई कैसी सी है दिखा पहले जे तेरी कमाई चंगी से तेरी कौडी भी परवान है तेरा एक रुपया भी बहुत वड्डा है आखो वाहिगुरु एक सिख बैठा सी लियाया कहिंदा सतगुरु जी आए ने मैं भी सेवा लैके जावां ते कौडी सी पर उन्हें वेख्या लोकी ते रुपये बड़े बड़े चढ़ा रहे ने उन्हें की किया अपनी कौडी ने छुपा ली कि बड़ी शर्म की गल है इन्ने वड्डे धना विच मेरी कौडी गुरु साहब बैठे सत सिख कहिंदे महाराज चलीए पिंड वाले सारे सेवा दे गए आपां हुण अगे चलीए सेवा हरिमंदर साहब अमृतसर पहुंचाणी आखो वाहिगुरु गुरु अर्जन साहब कहिंदे नहीं एक सिख बाकी आ जे महाराज सारा पिंड आ गया देखो कोई नहीं रह गया पिंड का सरपंच कहिंदा सतगुर सारे कहिंदे ओ सिख बैठा मैनू जरा उहदे कोल जाण दे उठ के गए उहदा मूंह नीवा सी सतगुर कहिंदे सिखा भेटा लिया दिंदा क्यों नहीं अखां च जल आ गया कहिंदा गुरु साहब मेरी कौडी की थां रखेगी इन्ने लखां विच मेरी कौडी की थां रखेगी कहिंदे सारे लखां दी माया सेवादार संभालणगे तेरी कौडी मैं अपनी जेब च रख के ले जावांगा आखो वाहिगुरु 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 अंतरजामी गुरु इसे वेले भी सब दी जानदा है मैनूं पता है कि तुसीं सारिआं ने कलैक्शन कीती आखो वाहिगुरु मैं तुहाडी कलैक्शन देख रहा सी मन्नोगे आखो वाहिगुरु मैं ना नहीं याद रखे किसी ना मेरा काम है ना याद रखना इहदा काम है पर कोई ना सोचना कि जे मैं 251 भी दिते ने तो मेरे लिखे नहीं गए लिखे गए ने पुत्रा आखो वाहिगुरु जिहदे 5000 ने उहदे भी लिखे ने 201 वाले दे भी लिखे इहदे घर च लिखिया ही जाता है बस भावना कैसी है डिपेंड करता है और कमाई कैसी है यह भी डिपेंड करता है आखो वाहिगुरु 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 कहिंदे सी सतगुरु कहिंदे ईमानदार बंदियां दी मैं पैसे लैके नीयां विच पाना तुहाडियां नीयां होणगियां ना बिल्डिंगां उच्चियां खड़ियां होणगियां डोलणगियां आखो वाहिगुरु वाहिगुरु एक संत सी कार सेवा वाले रिक्शे वालियां कोल रुपया मंगदे सी रिक्शे वाले ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫੋਰਨ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰੁਪਈਏ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨੀਹਾਂ ਚ ਲਾ ਦੇਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਾਈ ਲਾਲੋਗਰ ਤਾਂ ਹੀ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭੂਮੀਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਨਿਆ ਬਣਾਇਆ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਭੂਮੀਆਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸਾਖੀ ਯਾਦ ਹੈ ਭੁੱਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਨ ਕੇ ਲੂਣ ਖਾ ਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਨਿਆ ਬਣਾਇਆ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਨ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਾਈ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਨਾ ਸਭ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਭੂਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਾਡਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਰਾਜੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹ ਮਾਰਨ ਹੁਣ ਭੂਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਤੀਜਾ ਬਚਨ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੌੜਦਾ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਸਭ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਚੋਰ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਚੋਰ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਤੂੰ ਰਾਤੀ ਆਇਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਹੀ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਚੋਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤਿੰਨ ਕਹਿਣੇ ਮੰਨਾਂਗਾ ਸੱਚ ਬੋਲਾਂਗਾ ਪੁੱਛ ਲੈ ਦਰਬਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਸੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲੂਣ ਖਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਚਨ ਕਮਾਵਾਂਗਾ ਪੈਸਾ ਫਿਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੀਜਾ ਬਚਨ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ੇ ਬੰਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਚੋਰ ਮਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਭੂਮੀਏ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਤਨ ਸੀ ਬੜਾ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ
मैं तेन छड़ दंगा, मैं तेन कुछ नहीं कहूंगा, मैंने उस बाबे नाल मिला दे। आखो वाहिगुरु मेरे को इन्ना संत आए अज तक मैं बड़ा कुछ समझाते ने, पर जो मेरा लालच जागता मैं गरीबों लुटना लग पड़ना। मेरे तो कभी असर नहीं होया, मैं राजा होके नहीं बदलिया, तू चोर होके बदल गया। कमाल की गल है ना जी, तू राजा हो गया नहीं बदलिया, वो चोर बदल गया। कहता ले चल बाबे को, यही गुरु नानक साहब ने अज भी साढ़े सामने बैठे ने जी। गुरु ग्रंथ साहब जी की यह गल याद रखना कि गुरु साहब कह के गए सी मैं जा नहीं रहा, मैं सदा वास्ते गुरु ग्रंथ साहब के अंदर बैठ रहा। आखो वाहिगुरु, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की। गुरु नानक साहब ने क्या भूमिए आ जा, अज मैं तेरे ते बड़ा खुश हाँ। अंतरजामी ने ना, अंतरजामी सतगुरु कहते भूमिए मेरा जी करता तेन घुट के गलवकड़ी चल जा। कहते महाराज मैं चोर बंदा, मैनू घुट के मिलोगे? कहते हाँ, तू चोर नहीं है। आखो वाहिगुरु, तू सच्चा इंसान, घुट के गल ना ला लिया तो राजा आया। कहता सतगुरु सानू भी थां मिल जाएगी चरणा च। कहते एक तरीका है, जे तुसी भी परमात्मा की असीस लैनी चाहते हो खुशियां, तो भूमिए दे पैर फड़ लो। आखो वाहिगुरु, मैनू तुहाडे पिंड कोई संत नहीं नज़र आ रहा, ये नज़र आ रहा क्योंकि सच बोलता है। भूमिए बड़ा खुश, राजा कहता सतगुरु मैं ये पैर फड़ ला फिर की होएगा? कहते खाली पैर नहीं फड़ने, अपना जीवन बदलना पेगा तेन। किमें बदलिया जाएगा? सतगुरु मैं तुहाडे नाल वादा करके मुकर जावा, तुसी चले जाओगे मैं फिर भुल जाऊंगा। गुरु साहब कहते उहदे लई मैं भूमियां तेरे राज दरबार च छड के जावांगा, इहनू मंत्री बना लै, जिहड़े मंत्री तू रखे ने उह तेरे वर्गे ने। वड्डी लै के हक गवाई, रिश्वतखोरी करते ने, इस करके तू भी झूठा वह भी झूठे। इनू मंत्री बना, इनू रख अपने दरबार, फिर देख ना तू चोरी करन देगा तेनू भी, ते नाले नाम जपेगा होरां नू भी जपाएगा, सेवा करनी सिखाएगा। आखो वाहिगुरु, फिर तेरे लंगर लाए सीधा रब दे घर जा। हुण हाथ जोड़ के कहिंदा है मंजूर है सतगुरु, अज तो भूमिया मेरे घर मेरे राज विच मंत्री बनेगा, मैं इहदी गल सुनांगा भी और मन्नांगा भी। हुण सतगुरु कहिंदे भूमिए तू मैनूं इक गल कही सी कि मैं तुहाडे कहने ते मन्नांगा, पर इक कम किहड़ा? चोरी नहीं छड्डांगा। आखो वाहिगुरु, हुण दस चोरी करेगा? कहिंदा महाराज मंत्री बनाता जे, हुण चोरी करन दी की लोड़ है, हुण तनखाह भी आएगी, मेहनत भी करांगे। आखो वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, सिर पहले टक लैंदा। आखो वाहिगुरु वाहिगुरु, समझो सारे, जे असी गुरु की गल मन ली तो बस गुरु उस दिन, सतगुरु पता की कहते सी कि जेड़ा जेड़ा प्यारा मेरी गल मनेगा ना वह घरों बाद चलेगा, मैं उहदे नाल पहले चल पाऊंगा। आखो वाहिगुरु, चरण शरण गुर एक पेंडा जाए चल, सतगुर कोट पेंडा आगे होई लेत। जेड़ा मेरी गल मनेगा मैं करोड़ा कदम अगे आके मिल, मैं गुरुद्वारे नहीं बैठा रहा भी आ मैं मत्था टेक ता सीस दांगा। सतगुरु कहते जिस वेले घरों चलेंगा मैं उदों ही तेरे को आ जाऊंगा। आखो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। वैसे सरोपे का मतलब यही होंगे कि समा हो गया। आखो वाहिगुरु, तो मैं भी पता तुम लेट हो गया। मैं तुम्हें वैसे बेनती करा, मैं तो जो अनाउंसमेंट हुई भी तुम साढ़े दस आना, वैसे मैंने कल तक जोड़ा साढ़े ग्यारह ही पता से। आखो वाहिगुरु, दिनेश जी जानते हैं, पर जीड़ी इन्हों आपस जो भी हुई थोड़ी साढ़े दस आके मैं, क्योंकि मेरा एक पहले तो एक समागम उ जिस जगह तो असं आए हाँ पानीपत, रोज़ सवेरे 9 बजे तक ना उ समागम होंगे नाम सिमर।